हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं चिकू के साथ सुबह सुबह काफ़ी मस्ती के साथ हम दिन यानी आज तो हमारा चालू हुआ है, क्योंकि उठ आज हम दोनों जल्दी गए थे। सुबह से उठ के बस मस्ती कर रहे हैं और बैठे बैठे बातें ही कर रहे हैं, और ब्रेकफास्ट भी इसी मस्ती और मजाक के साथ हुआ है। और अभी एक बात 50-50 बार दोहराई जा रही है, क्या पता मैंने क्या ऐसा कह दिया उस बात को रिपीट टेलीकास्ट पर सुना जा रहा है, नहाने का पता नहीं चल रहा है। क्या बोला वापिस? क्या चिक्स, वेर आर यू गोइंग? ओह यू गो वॉक ना, ठंड लग रही थी इसलिए मैंने चला। मुझे बोल रहे थे दोनों जने एक साथ में मेडिटेशन करेंगे, मेरे को मेडिटेशन करवाने के लिए बैठा क्या? खुद तो पास में बैठे बैठे मेरे को नोटिस करते, आँख खोल तो नहीं रही है, ये नहीं कर रहे, तुम ये सब चीज़ें नोटिस करते हो, मेरे को पता है। कहाँ घूमने जा रहे हो? बाहर वॉकिंग करने जा रहे हो? घर के डिटेक्शन होंगे अभी, क्या घर में क्या हो रहा है, मैं किस चीज को सही कर सकता हूँ। ओके चलो, अब मैं भी हो जाती हूँ रेडी, क्योंकि ये तो ऐसे ही करेंगे, जब तक नहाएंगे नहीं तब तक मुझे भी कुछ काम नहीं करने देते, सिर्फ पास में बैठी रहे करते रहते। अब ये देखना घर में पूरे में ये क्यों फालतू पड़ा हुआ है, ये क्यों फालतू पड़ा हुआ है करेंगे हर जगह पे। तो मैं तो मेरा काम कर ही लेती हूँ, नहीं तो मैं हर चीज़ में बहुत लेट हो जाऊँगी। बहुत टाइम से बेडशीट चेंज नहीं की थी, तो बेडशीट चेंज की पर टाइम मिला नहीं, सो पिलो के कवर्स चेंज करने रह गए हैं। और आज एज यूजुअल भाई जी नहीं आए हैं, सब पूरे घर में लगाया झाड़ू और फिर बनाया हमने खाना। खाने में आज बना रहे हैं हम खट्टे मूंग, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से खट्टे मूंग खाने की इच्छा थी, तो दही भी था और टमाटर भी नहीं थे, तो खट्टे मूंग ही बन रहे हैं। मसाला ये रेडी हो रहा है, यहाँ पर ये मूंग बॉईल हो गए, ये आटा बन गया है, चावल भिगा दिए हैं, अब इनको हम गैस पे चढ़ा देते हैं। एंड सॉल्ट, तो खाने की प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट हो गई है, अब सिर्फ अब रोटियां बनानी हैं। तो जैसे ही ये दाल पके थोड़ी सी, फिर रोटियां बना देती हूँ और फिर जाना है शॉप पर। मेरा डायलॉग काफ़ी फेमस हो गया है, बच्चे सारे शॉप पर बहुत करते हैं बस अब। हाँ, और मैंने मेरी बेडशीट और ब्लैंकेट भी धोई है, सो ब्लैंकेट तो बाहर सूखा दी है, बेडशीट भी सूखा देती हूँ, यानी इसको सूख जाए अच्छे से फटाफट, क्योंकि फिर टाइम से धुल गई है और वॉशिंग मशीन में रहेगी फिर बदबू मारेगी, इसलिए एक बार और पानी में थोड़ी सी निकाल देती हूँ। और भाई मुझे फोकस करो, बिकॉज साइड बाय साइड की चीज़ों को फोकस करके क्या करना है। बस मसाला पकने की कगार पे है, मैं जल्दी से फ्री होती हूँ। खाना खा लिया है, अब जाती हूँ सैलून पे और मांग भरी नहीं मांग वगैरह भर देती हूँ। ऑप्टिमा गजब की चमक रही है, जैसे ही शॉप पर आई आते में तो बहुत मज़ा आ गया यानी देख के, क्योंकि अभी पूरी डिस्प्ले कर दी है चेंज, हैप्पी भैया ने पूरा ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का एक साथ जमा दिया है, ऊपर सारे फेस वॉशेस, सीरम्स, फेस क्रीम, सनस्क्रीन, फिर शैम्पूज और नीचे ये अरमाफ के डियोज, एंड इधर साइड सारा है मामाअर्थ का और नीचे कुछ गुडेयर का जम रहा है और ऊपर है सेंट बॉटनिक और इधर है मोम्स को, सारा एकदम कैटेगरी वाइज अच्छा जमा दिया है, सॉरी कैटेगरी वाइज नहीं है ब्रांड वाइज जमा दिया। इधर पूरा मिशेल, इधर है पूरा वाओ जो कि मैंने आपको बम्पर ऑफर बताया ही है अभी मेरे व्लॉग में। आप मरियास का कोई भी एक परफ्यूम लो, उसके साथ वाओ में कोई प्रोडक्ट आपको फ्री है, हाँ भले वो कितने का भी हो पर मरियास के एक परफ्यूम के साथ है, बस ये है। और इधर सारी डिस्प्ले अभी तो बिखेर दी है, एपीपेन शायद ये वाली जमनी बाकी है, ये वाली डिस्प्ले तो मैंने आपको बताती ही रहती हूँ, इसमें तो सारे जितने भी फेशियल मास्क, लिप बाम, काजल, आईलाइनर ये सब जमी हुई है। और शुगर का भी ऑर्डर कल हमने बना दिया है, तो शुगर के जो भी अभी न्यू लॉन्च प्रोडक्ट हैं वो भी आने वाले हैं शॉप पर कुछ ही दिनों में, तो स्टे ट्यून एंड विजिट करते रहो।
रूड क्यों रहे क्या पता। नॉन स्टॉप हेयर कट्स और काम के बाद अभी हुए हैं फ्री, और मेरे भी आज हैंड्स और लेग्स पर करनी थी वैक्स, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने वैक्सिंग ली नहीं थी, सो वैक्स वर्क करवा दी है मैंने। और सेल्फ ग्रूमिंग भी ज़रूरी है साथ ही साथ, क्योंकि मुझे खुद भी अप टू डेट रहना पड़ता है ना। और अब मैं जा रही हूँ अभी थोड़े काम से बाहर। आज तो काम करते करते सीधी 8 बज गई हैं, और अब घर पे जाके हम बनाने वाले हैं इडली सांभर। चिकू ने प्रॉमिस किया है कि वो मेरी हेल्प करेंगे तो बन जाएगा भाई इतना लेट, बाकी मेरे में थोड़ी शक्ति कम है बनाने की। पर हाँ लौकी चाहिए थी 1 किलो, 1 किलो नहीं आधा किलो ही दो, आधा किलो ही दो। वैसे बैंगन दे दो, पाव बैंगन। एक आधा टमाटर रख दें भैया, एक आधा टमाटर रख दें। एक बैंगन ज़्यादा हो रहा है, निकाल दे टमाटर रख दे बस। चिकू 60 ले, लौकी और सब्जी जो 1-2 चाहिए थी वो ले ली है, अब लेनी है सूजी। और देख दुकान खुली है नहीं, मिल जाएगी सूजी दही इनो चाहिए, अब दही चाहिए। घर पर आ गए हैं और घर पे आके फटाफट से इडली सांभर की कर दी है तैयारी। मटर की सब्जी बन गई थी पर इसको खा लेंगे सुबह में। और ये हमने सूजी भिगा दी है, चिकू यहाँ पर लौकी कट कर रहे हैं। तो ये इधर आलू कट हो रहे हैं, साथ ही साथ बैंगन भी कट हो जाएंगे जो भी अपने को चाहिए उसके अंदर सांभर के अंदर। और सांभर का मसाला है कि नहीं वो देखो, चिकू को दौड़ाना पड़ेगा। हाँ है और कुछ? इमली, इमली सब है। ओ इमली मैं भिगा देती हूँ, थोड़ा सा मैं जल्दी से प्रिपरेशन कर देती हूँ फिर मैं आपको फाइनल बताती हूँ। सांभर की सब्जियाँ बॉईल हो रही हैं, और यहाँ सांभर की सब्जियाँ बॉईल हो रही है और एक तरफ सांभर का तड़का भी तैयार हो रहा है। आज तो मेरा व्लॉग हो रहा है गिम्बल से शूट, और आई थिंक गिम्बल तो अब चार्ज हो ही गया होगा और अब चलेगा दौड़ेगा। और मैं अंदर इडली बनाने के लिए रख के आई हूँ कुकर के अंदर, और सांभर हमारा बन चुका है, बस सांभर थोड़ा सा बॉईल हो रहा है। और अब थोड़ा सा ऊपर धनिया डाल दूँ क्योंकि धनिया का टेस्ट भी अच्छा लगता है ऊपर। वी आर डन सो फास्ट, ओनली फॉर 1 आवर। बंद है कैमरा, अब चालू है, कब किया? अच्छा यहाँ से। अरे यार ये चिकू आज क्या हो गया उनको, अचानक से मूड स्विंग्स हो गए उनको। ये खानी है क्या कहते हैं सांभर, इडली सांभर। और अभी मेरे को कैमरा ऑफ करके दिया और मैं चिकू की वीडियो ले रही थी, मैं भी पागल हूँ। अभी मैं चेक कर रही हूँ कि हमारी इडली कहाँ तक पकी है। वो इडली हमारी पक चुकी है, बट थोड़ी देर रहने देती हूँ यार। क्यों? नहीं नहीं पकी, थोड़ी सी बाकी है। पकी? परफेक्ट। अब मैं इसको निकाल रही हूँ बड़े वाले तपीले में इसमें, क्योंकि ठंडा भी जल्दी हो जाएगा इसलिए। और ये पक चुका है अच्छे से, ये थोड़ा सा फुल आंच पे बॉईल हो जाए तबड़ा तबड़ करके, तो फिर इसको निकाल देते हैं इसमें। क्यों सही बात है ना। यहाँ पर मेरी इडली भी ऑलमोस्ट रेडी होने आ गई है, अब मैं इडली को थोड़ी देर बंद कर देती हूँ, अपने आप पक जाएगी। गन्ना ले लेती हूँ। ये है
पीऊं तू। ये क्या डाला अंदर? अरे डाला नहीं, गिर गया है, चिपक गया होगा कल। बस ये बन चुकी है इडली सांभर हमारा, और मम्मी पापा को अब सर्व कर देती हूँ। चिकू को तो एक ट्रिप पूरी खिला दी है। एक ट्रिप में कुछ बची है इडली, वो मैं ही ऐसे ऐसे कुंदी उमटी खा रही हूँ। पर ये सारी इडलियाँ बन चुकी है, ये अब मम्मी पापा को खिला दूँगी, और अब इडलियों को करूँगी फ्राई। अब मैं बैठ गई हूँ मेरा खाना खाने के लिए, क्योंकि सबके लिए एक 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 जो भी इडली का कुकर खुला, एक एक को सर्व किया। और अभी मेरे लिए फाइनली मैंने फ्राई कर दी है इडली और सांभर। ये हमारा सांभर, और यार खाना कितना मस्त दिख रहा है इस वीडियो में, इस के कैमरे में। और गर्दन काफ़ी दुखने की वजह से आज तो मैंने टेबल ही लगा दिया है, ताकि थोड़ा ज़्यादा मुझे झुकना नहीं पड़े और मैं शांति से खा पाऊँ। तो बस यहीं पर कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड, खाना खा लूँगी अभी। और आज का व्लॉग अगर देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।